भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित राज्यपालगण, उपराज्यपालगण, अधिकारीगण, आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज राज्यपालों के 51वें सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष और आनंद हो रहा है। जो राज्यपालगण, उपराज्यपालगण पहली बार इस सम्मेलन में आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। और ये परंपरा में आज आप पहली बार शामिल हो रहे हैं, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन है। इससे पहले हम 50वें सम्मेलन में 2 साल पहले मिले थे। कोविड महामारी के कारण 2 साल के बाद आज ये सम्मेलन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर ने और सभी राज्यों की सरकारों ने, आप सभी ने मिलकर कोविड महामारी का बहुत सफलतापूर्वक सामना हमने किया है। और आज 100 करोड़ टीकाकरण समाप्त करने के बाद हम लगभग कोविड महामारी की छाया से, परछाई से बाहर आ चुके हैं। आज जब हम सब यहाँ उपस्थित हैं, तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, ये सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राज्यपाल भवन, राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी। आम जनता में जागरूकता लाना, आवश्यक सहायता सामग्री पहुंचाना और प्रजा का मनोबल बनाना, ये बढ़ाना, ये तीनों दिशा में राज्यपाल भवनों ने बहुत अच्छे से एक्टिविटी के साथ काम किया है, इसके भी चर्चा आम जनता में है। कोरोना वॉरियर्स के लिए राज्यपाल भवन प्रेरणा केंद्र बने और कोरोना वॉरियर को मनोबल और संबल बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि स्वदेशी वैक्सीन के 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हमने जो पार कर लिया है और वो गति आगे ही है, आगे ही बढ़ रही है, इससे पूरी दुनिया अचंभित है। समग्र विश्व में आज हमारे टीकाकरण के कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा भी हो रही है और कई दृष्टि से उसका एनालिसिस और उसका अभ्यास करने के लिए भी लोग आ रहे हैं। ये हम सब के लिए संतुष्टि का विषय है और हमारी सफलता की एक गाथा भी है। आज हम जब मिल रहे हैं, तब आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, इसलिए इस सम्मेलन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विषय पर बल देते हुए जनता का आह्वान किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम रंग चंग के साथ मनाएं और जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सुनिश्चित करें। मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल और राज्यपाल महोदयों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। स्वाभाविक रूप से इस पर चिंता भी करेंगे और अपने अपने राज्य की जनता को आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ने का हम सब प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है
कि हम ये 75वें वर्ष तक सीमित रहना नहीं चाहते। 75 आजादी के 75वां वर्ष से 100 वर्ष, ये 25 साल को हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे और 100 वर्ष के बाद भारत कहाँ खड़ा होगा इसका संकल्प भी लेंगे और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम कार्य योजना भी बनाएंगे। अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर का आरोहण करने का वर्ष रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें सभी राज्यपाल महोदयों की भूमिका और सक्रियता दोनों सुनिश्चित होगी, इसका मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की है। भारतीय मूल्यों में निहित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना इसके माध्यम से की है। आधुनिक शिक्षण किस प्रकार से हो, रटे रटाई शिक्षा की जगह शिक्षा को आत्मसात करके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो और उसके साथ साथ हमारी भाषाओं की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए भी शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान करे हैं। एक तथ्य जो अभ्यास के बाद सामने आया है, आज भी लगभग 70% विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के नियंत्रण में चल रहे हैं, जिसमें देश के 80% से ज़्यादा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अधिकांश विश्वविद्यालयों के आप कुलाधिपति हैं। उस वक्त नई शिक्षा नीति के जमीन पर उतारने के लिए आप सभी का रोल, आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा के स्तर को सुधारना, पारदर्शी तरीके से विद्यार्थियों के दाखिले हो और अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आपका मार्गदर्शन इस शिक्षा नीति के अमलीकरण के लिए बहुत जरूरी है और नई शिक्षा नीति के जमीन पर उतारने के लिए आप सबका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अभी कल भारत सरकार की कैबिनेट बैठक जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उस दिन को आदि जाति गौरव दिन के रूप में मनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। मैं मानता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इस साल क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम गौरव दिन की जगह एक सप्ताह 15 से 22 तक का मनाएंगे और फिर हर साल भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें जनजाति गौरव दिन मनाने का सिलसिला जारी रखेंगी। जनजातियों के देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान को इस प्रकार से पूरा राष्ट्र आज इसका सम्मान कर रहा है। हमारी संस्कृति की संभाल करना हो, हमारी धरोहर को आगे बढ़ाना हो या स्वतंत्र संग्राम हो, हर जगह पे जनजातियों ने जो योगदान दिया है इसको एक प्रकार से एक्नोलेज करने का मोदी जी ने प्रयास किया है। मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि ये जनजाति गौरव दिन को अपने अपने राज्य में मनाने के लिए हम सब प्रयास करें और जनजातियों के अंदर एक नए प्रकार का विश्वास जागृत हो, इसके लिए भी हम काम करें। अभी हाल ही में संपन्न ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखा है और पूरी दुनिया अचंभित हो जाए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अगुवाई की है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने भारत की ओर से 5 अमृत तत्व रखे हैं। वो 5ों अमृत तत्व एक प्रकार से हमारे लिए एक कड़ी चुनौती भी है और जब कड़ी चुनौती पार करेंगे तो बहुत बड़ी सिद्धि भी होगी। 2030 से 2070 तक इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी अगली पीढ़ी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि राज्य के स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में इन लक्ष्यों का प्रचार और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जागृति कर एक जनमानस बनाना, क्योंकि जनमानस में जब तक जागृति नहीं आती है, इसके प्रति समर्पित भाव खड़ा नहीं होता है लक्ष्यों के प्रति, तब तक इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार अपने तरीके से प्रयास करेगी मगर जनता को जोड़ने की जो बात है
उसमें राज्यपाल भवन ने, राजभवन ने भी इसकी चिंता करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम यही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को आज यहाँ पर अपने अपने राज्यों के वृत्त भी रखने हैं। मेरा सभी से एक विनम्र निवेदन भी है कि वृत्त के साथ साथ राज्यपाल महोदय के अधिकार में जो चीज़ें हैं, जैसे ट्राइबल कल्याण है, टीबी है, रेड क्रॉस है, सैनिक कल्याण है, ये सारे विषयों में भी क्या हुआ है वो बहुत संक्षिप्त में आप रखेंगे तो सम्मेलन की सार्थकता को हम बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध कर पाएंगे। तो मैं अब मेरी बात समाप्त करता हूँ और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूँ कि कृपा कर हम सबका मार्गदर्शन करें। राज्यपालों के सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, सभी राज्यपालगण, उपराज्यपालगण एवं प्रशासकगण, आज इस सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आप सबकी उपस्थिति से मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि हम 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज हम मिल रहे हैं। नवंबर 2019 में आयोजित पिछले राज्यपाल सम्मेलन के बाद नियुक्त हुए सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को भी मैं बधाई देता हूँ। इसी दौरान राज्यपाल के रूप में हम सबके सहयोगी रह चुके श्री कल्याण सिंह जी, श्री लालजी टंडन और श्रीमती मृदुला सिन्हा जैसे मूर्धन्य जन सेवक अब हमारे बीच नहीं रहे। सार्वजनिक जीवन में अपने योगदान और व्यक्तित्व से राज्यपाल के पद को विशेष गौरव प्रदान करने वाली इन सभी विभूतियों का मैं सादर स्मरण करता हूँ। कोविड की महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम विश्व समुदाय की सहायता भी कर रहे हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। लॉकडाउन के आरंभ होने के 2 दिन बाद ही 27 मार्च 2020 और उसके बाद 3 अप्रैल को मैंने और उपराष्ट्रपति जी ने राज्यपालों के साथ राज्य स्तर पर किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। विभिन्न राज्यों द्वारा जन सामान्य की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से अलग अलग राज्यों में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी साझा किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया। मित्रों, अनेक वैश्विक मुद्दों पर भारत की संकल्पबद्धता और क्षमता की सराहना विश्व समुदाय द्वारा की जा रही है। हाल ही में जैसा कि गृहमंत्री जी ने भी उल्लेख किया, ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में विश्व समुदाय के सम्मुख ये स्पष्ट किया गया कि भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट के तहत ठोस प्रगति की है और नियत समय पर लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की वैश्विक समस्या से निपटने की दिशा में भारत ने विश्व समुदाय के हित में अपना योगदान देने के लिए 5 प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। वर्ष 2030 तक देश की 1 नॉन फॉसिल ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। 2
आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना, नंबर 3 प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करना, और नंबर 4 अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी 45% से भी कम करना। इसके साथ ही वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना, ये हमने 5 लक्ष्य रखे। विश्व पटल पर व्यक्त किए गए इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को कार्यरूप देने में आप सभी अपनी प्रेरक भूमिका निभा सकते हैं। राज्य सरकार तथा सभी जनप्रतिनिधियों के बीच जागरूकता बढ़ाकर आप इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। कुलाधिपति के रूप में आप सभी होते हैं अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, यू हैपन टू बी द चांसलर। कुलाधिपति के रूप में आप राज्य के विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स गठित करके युवा पीढ़ी को क्लाइमेट एक्शन से सीधे जोड़ सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सन 2019 में आरंभ किए गए जल जीवन मिशन के तहत सन 2024 तक हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय अभियान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यह उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के आरंभ होने तक पिछले 7 दशकों में जितना काम हुआ था उससे अधिक काम मिशन के तहत केवल 2 वर्षों में पूरा कर लिया गया है। संवेदनशील केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि शुद्ध पेयजल की सुविधा से कोई भी वंचित न रहे और पानी की कमी किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा न बने। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के जरिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आदिवासी बाहुल क्षेत्रों, कमजोर वर्ग के लोगों, बच्चों और महिलाओं सहित हमारे देशवासियों का अनेक रोगों से बचाव हो सकेगा। जल का संचय व संरक्षण करने और गुणवत्ता बनाए रखने के प्रति गांव-गांव में लोगों को जागरूक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबकी भागीदारी और सबकी जिम्मेदारी के जरिए सभी ग्रामवासियों को सैनिटेशन, हाइजीन, वाटर इनलाइटेंट यानी स्वच्छता, साफ सफाई तथा जल के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह जल जीवन मिशन भी एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की जल जीवन मिशन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके आप सभी इस जन आंदोलन को और भी मजबूत बना सकते हैं। हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से कुछ क्षेत्र संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में उल्लिखित हैं। इन क्षेत्रों के विकास में राज्यपालों की विशेष संवैधानिक भूमिका होती है। इन जनजातियों की प्रगति में योगदान देकर आप सब देश के समावेशी विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मैंने और उपराष्ट्रपति जी ने राज्यपालों के साथ विचार विमर्श किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को कार्यरूप देने में आप सभी राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलाधिपति के रूप में आप सब लोग युवा भारत के निर्माण की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। व्यापक स्तर पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राज्य स्तर पर हो रहे कार्यक्रमों की भी जानकारी आप सब साझा करें। इसके अलावा आपके मार्गदर्शन में संचालित शिक्षण संस्थानों की नई पहलों तथा विशिष्ट उपलब्धियों पर भी जानकारी प्रदान करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत वर्ष 2030 तक ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य तय किया गया है, परंतु भारत ने यह इस लक्ष्य को हम पाँच यह निश्चित किया है कि इस लक्ष्य को हम पाँच वर्ष पहले ही अर्थात वर्ष 2025 तक हासिल कर लेंगे। इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। राज्य स्तर पर इस जन कल्याणकारी अभियान के संरक्षक के रूप में टीबी का शीघ्रता से उन्मूलन करने के प्रयासों को आप प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। राज्यपालों के दायित्व पर चर्चा करते हुए हमारे सुविज्ञ संविधान निर्माताओं ने यह अपना मत व्यक्त किया था कि राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो जन सामान्य और सरकार के फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड की भूमिका होती है। राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा जन भागीदारी सुनिश्चित करने में आप सबकी यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी राज्यपालों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि आप सब अपने राज्य की जनता के कल्याण और सेवा में समर्पित रहने के लिए वचनबद्ध हैं। इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए आपको अपने राज्य में अधिक से अधिक समय देना, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अपने राज्य में जो अलॉटेड राज्य है अपने राज्य में अधिक से अधिक समय देना और लोगों से जीवंत संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। वैसे भी लोकतंत्र में हम सबको आम जनमानस के साथ कंटिन्यूड कनेक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने अपने अपने राज्यों के सभी जिलों और उन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से प्रवास अवश्य किया होगा। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी का उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज के सम्मेलन में किए जाने वाले विचार विमर्श से हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.